नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। पटना से अयोध्या वंदे भारत ट्रेन का किराया जारी। नीतीश मंत्रिमंडल का जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार। शिक्षा विभाग ने 20 शिक्षकों पर FIR का दिया आदेश। होली से पहले लाखों की अंग्रेजी शराब बरामद। IPL 2024 में विराट कोहली रच सकते हैं इतिहास। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना से अयोध्या वंदे भारत ट्रेन का किराया जारी। पटना से अयोध्या वंदे भारत ट्रेन का किराया जारी किया जा चुका है। पटना से अयोध्या होकर लखनऊ के गोमती नगर तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन 18 मार्च से शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन तक चलेगी। इस ट्रेन का न्यूनतम किराया 1,090 रुपए है। ये AC चेयर कार का किराया है। वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास यात्रियों के लिए किराया 2,060 रुपए तय किया गया है, जबकि पटना से लखनऊ जाने का किराया 1,540 रुपए है। इधर एग्जीक्यूटिव क्लास यानी कि AC के लिए पटना लखनऊ गोमती नगर एक्सप्रेस का किराया 2,765 रुपए है। मालूम हो कि इस ट्रेन का उद्घाटन बीते 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। बिहार अमीन कानून को कलर्क भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। बिहार अमीन कानून को कलर्क भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय पर आधारित 10,100 पदों का रिजल्ट जारी हुआ है। विभाग द्वारा इससे संबंधित सूचना जारी किया गया है। सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 355 विशेष सर्वेक्षण कानूनों के 758 विशेष सर्वेक्षण अमीन के 8,244 पद के परिणाम को जारी किया गया है। इनके बहाली हो जाने के बाद राज्य के सभी 45,000 गांव में जमीन के सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। इससे भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा नहीं हो सका है। नीतीश मंत्रिमंडल का जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार। नीतीश मंत्रिमंडल का जल्द कैबिनेट विस्तार हो सकता है। NDA की सरकार का कैबिनेट विस्तार आज हो सकता था, लेकिन ये टल चुका है। बताया जाता है कि शुक्रवार शाम तक कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। वहीं भाजपा में आलाकमान की ओर से अभी तक मंत्रियों की लिस्ट पर फाइनल मुहर नहीं लगने की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से भाजपा से मंत्रियों की लिस्ट मांगी गई, लेकिन भाजपा की ओर से फिलहाल मंत्रियों की सूची नहीं दी गई है। इस कारण शुक्रवार तक मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना जताई गई है। शिक्षा विभाग ने 20 शिक्षकों पर FIR का दिया आदेश। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक ने 20 शिक्षकों के खिलाफ FIR का आदेश दिया है और इसके साथ ही इन शिक्षकों के वेतन को भी रोक दिया गया है। मुजफ्फरपुर नगर थाना प्रभारी को FIR के लिए पत्र लिखा गया है। GPO स्थापना प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने इन शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग की थी। उन्होंने कहा है कि धरना प्रदर्शन पर रोक के बावजूद संगठन के बैनर तले लाठियां बांटी गई थी। GPO ने पत्र भेजकर कहा है कि ECS KK पाठक की ओर से शिक्षकों को किसी भी संगठन के बैनर तले या फिर एकल रूप से सरकार या फिर विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई गई थी और इसके बावजूद ये धरना में शामिल हुए। दरभंगा एम्स का इसी महीने फाइनल होगा डिजाइन। दरभंगा एम्स को लेकर अपडेट सामने आई है। लोकसभा चुनाव के बाद इसका शिलान्यास होने की संभावना जताई गई है। वहीं अस्पताल का डिजाइन इसी महीने फाइनल होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि एम्स का निर्माण शोभन में किया जाएगा। वहीं एम्स का डिजाइन फाइनल करने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी मरीजों की सुविधा आदि सभी पहलुओं का अध्ययन करेगी और इसके बाद डिजाइन को फाइनल करेगी। स्वास्थ्य विभाग को फाइनल डिजाइन मिलने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी। DRI ने गोल्ड स्मगलिंग रैकेट के खिलाफ की कार्रवाई। DRI ने गोल्ड स्मगलिंग रैकेट के खिलाफ कार्रवाई की है। गुवाहाटी से लेकर अररिया, दरभंगा से गोरखपुर और पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर छापेमारी हुई। पटना, मुजफ्फरपुर सहित DRI की इकाई ने दर से दरभंगा के पास एक कार को रोका और उसमें खुफिया चैंबर से सोने की 80 छड़ों को बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार इसका वजन 13 किलो 27 ग्राम है। वही इसकी कीमत 8.65 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस गाड़ी को दिल्ली लेकर जा रहा था। बताया जाता है कि इन छड़ों को म्यांमार, थाईलैंड समेत अन्य स्थानों से तस्करी कर लाया गया था। फिलहाल पुलिस चालक समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर इनसे पूछताछ कर रही है। अररिया में मिड डे मील खाने से बिगड़ी कई बच्चों की तबीयत। अररिया में मिड डे मील खाने से करीब 100 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी होने के बाद बच्चों को अररिया के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ इन बच्चों का इलाज चल रहा है। ये पूरा मामला
अररिया प्रखंड के मध्य विद्यालय जीतवापुर पलासी पटेंगना का है। बताया जाता है कि बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। डॉक्टरों के द्वारा इन बच्चों का गंभीरता पूर्वक इलाज किया जा रहा है। बच्चों की स्थिति में सुधार भी देखने को मिल रही है। घटना की सूचना मिलते ही सांसद प्रदीप कुमार सिंह भी सदर अस्पताल पहुंचे और यहां उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य का जायजा लिया। फिलहाल सभी बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। होली से पहले लाखों की अंग्रेजी शराब बरामद। अरवल जिला पदाधिकारी के आदेश पर होली से पहले और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। बताया जाता है कि औरंगाबाद की ओर से आ रही ट्रक को रोककर स्कैन किया गया और इसमें शराब होने की पुष्टि की गई। गाड़ी से 449 कार्टन शराब को जब्त किया गया, साथ ही एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेजा जा रहा है। गोल्डमैन के नाम से मशहूर प्रेम सिंह ने चुनाव लड़ने को लेकर दिया अपडेट। गोल्डमैन के नाम से मशहूर प्रेम सिंह आरा के रहने वाले हैं और वो इन दिनों जदयू पार्टी कार्यालय के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जदयू और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से इन्होंने लगातार मुलाकात की है। इन्होंने सम्राट चौधरी से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की है। इसको लेकर इन्होंने कहा है कि इसी तरह लोगों से वो मिलते रहते हैं। फिलहाल चुनाव के टिकट को लेकर कोई बात नहीं है। चुनाव लड़ने को लेकर प्रेम सिंह ने कहा कि फिलहाल ऐसी उनकी कोई सोच नहीं है, लेकिन भगवान जाने हनुमान जो फैसला लेंगे उन्हें मंजूर होगा। प्रेम सिंह ने कहा है कि पूरा बिहार और देश उनका है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बयान, महागठबंधन के स्वीकार करने के बाद मिलकर लड़ेंगे चुनाव। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के स्वीकार करने के बाद पूर्णिया से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि महागठबंधन का मतलब पप्पू यादव है। हालांकि जाप सुप्रीमो ने यह भी कहा है कि अगर उनकी कोशिश सीमांचल को लेकर कुछ मांगों को भाजपा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग शामिल है। पप्पू यादव ने बताया कि उनकी मां साल 2009 के चुनाव में कुछ ही वोट से हारी थी और वहीं पप्पू यादव ने कांग्रेस से इस सीट पर जीत हासिल की थी। पूर्णिया की सीट हमेशा से कांग्रेस की रही है। पप्पू यादव ने इस बात को लेकर जानकारी दी है। बिहार की राजनीति में योगी की होगी एंट्री। बिहार की राजनीति में योगी अखिलेश महाराज की एंट्री होने वाली है। शिवहर की लोकसभा सीट से किस्मत आजमाने के लिए ये पिछले कई सालों से सक्रिय है। इस इलाके में इनकी विशिष्ट पहचान भी है, ये प्रभाव भी रखते हैं। इसका सीधा फायदा उन्हें लोकसभा के चुनाव में मिले ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि वैश्व समाज में तेली जाति से आने के कारण भी योगी अखिलेश्वर महाराज को फायदा मिल सकता है। इस इलाके में सर्वाधिक मतदाताओं का प्रतिशत इसी जाति से है। इनकी पहचान एक कथावाचक और हिंदूवादी रही है। भाजपा की दूसरी सूची में बिहार के कैंडिडेट का नाम नहीं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में बिहार के प्रत्याशी का नाम नहीं है। सूची में कुल 72 उम्मीदवारों का नाम है। मालूम हो कि भाजपा ने पिछले दिनों लोकसभा के 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन इसमें भी बिहार के प्रत्याशी का नाम शामिल नहीं था और उसके बाद दूसरी लिस्ट का सभी को इंतजार था। दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक के दौरान भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को जारी कर दिया है। कहा जा रहा है कि इसमें बिहार के कैंडिडेट का नाम हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। राबड़ी देवी ने बागवानी करते हुए वीडियो किया शेयर। विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने बागवानी करते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें वो सब्जी के खेत में काम करते हुए नजर आ रही है। वो अपने सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर बागवानी करते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो में राबड़ी देवी जमीन से मूली निकालते हुए नजर आ रही है। वीडियो शेयर करते हुए राबड़ी देवी ने लिखा है कि जड़ों से जुड़े रहना ही जीवन की सच्चाई और गहराई से बोध कराता है। ये बंधन नहीं है बल्कि यही असली जीवन है, मुक्ति और युक्ति है। जड़ से जुड़े हुए पेड़ हमें सब पल्लवित पुष्पित छायादार फलदार और गुलजार होते हैं। आईपीएल 2024 में विराट कोहली रच सकते हैं इतिहास। आईपीएल 2024 में विराट कोहली इतिहास रच सकते हैं। कोहली की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में होती है। विराट कोहली आईपीएल 2024 के पहले मुकाबले में अगर सीएसके के खिलाफ 6 रन बना लेते हैं तो वो T20 में अपनी 12,000 रनों को पूरा कर लेंगे और इसके साथ ही T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। मालूम हो कि 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होने वाली है और चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के पिछले मुकाबले में गुजरात टाइम्स को हराकर 5वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया था। वहीं आरसीबी ने
अब तक इस खिताब को अपने नाम नहीं किया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सादुल्ला पालवी, रवि कुमार राम, मोहम्मद फारूक, उमेश श्रीदेव, अजीत कुमार, रंजीत मिश्रा, नवल किशोर झा, अनवर करीम खान, मोहम्मद शकीर हुसैन, योगेंद्र पासवान, कृष्णा राज, लक्ष्मी मेहता, कन्हैया कुमार, बाबूलाल मरांडी, वीर प्रकाश सिंह, नौशाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके अनुसार क्या पप्पू यादव को पूर्णिया की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।